बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। तो इससे पहले कि टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर की हम कहानियां देखें, हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स पे आएंगे। एग्जांपल्स के बाद जब दोबारा डेफिनेशन पे आएंगे तो इंशाल्लाह टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हलवा मक्खन मलाई सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को समझाने से पहले कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कमांडोज की ट्रेनिंग में कि कमांडोज की ट्रेनिंग में ये शामिल होता है कि उनको हेलीकॉप्टर से जंप लगवाया जाता है मंगला डैम के अंदर। ठीक है, इसी तरह पैराशूटर्स को देखा होगा कि पैराशूटर्स एरोप्लेन से जंप लगाते हैं और काफ़ी नीचे आ गए फिर वो अपना पैराशूट सा खोलते हैं। तो इस सब के दरमियान आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे एक कमांडो हेलीकॉप्टर से जंप लगाता है तो शुरू में उसकी जो वेलोसिटी होती है नीचे आने की वो आहिस्ता से इंक्रीज होती है, मतलब काफ़ी स्पीड से ऐसे वो नीचे आता है। ठीक है, जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है उसकी स्पीड या वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती जाती है। अब जैसे ही जब वो नीचे आता है वेलोसिटी इंक्रीज होने लग पड़ती है, काफ़ी स्पीड से वो नीचे आता है, तो एक पॉइंट आता है कि जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, मतलब नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक पॉइंट आके जहाँ पर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अब वो नीचे की तरफ जाएगा, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये क्यों होती है, कैसे होती है, वो आगे चल के देखते हैं। सेम पैराशूटर के साथ भी इसी तरह ही होता है। सेम इसी तरह अगर आप वाटर ड्रॉपलेट देखें, आपने देखा होगा बारिश जब हो रही होती है तो तमाम ड्रॉपलेट्स एक ही वेलोसिटी के साथ नीचे गिर रहे होते हैं, ये नहीं कि किसी की वेलोसिटी तेज़ है किसी की आहिस्ता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्यों ऐसा नहीं होता? जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट बादल के अंदर से निकलता है तो शुरू में क्या होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। मतलब ये बादल के अंदर से निकला, एकदम से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो थोड़ी सी नीचे आकर तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, मतलब अब इंक्रीज नहीं होगी। अब जिस वेलोसिटी के साथ, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब ये नीचे मूव करेगा तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये क्यों थोड़ी नीचे आके कांस्टेंट हो जाती है वो चीज़ देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये हमने एक बादल कंसिडर किया, ठीक है, एक क्लाउड कंसिडर किया और क्लाउड से क्या हुआ, एक रेन ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आया। ठीक है, इस क्लाउड में से एक रेन ड्रॉपलेट निकला, वैसे तो इसमें से बहुत सारे रेन ड्रॉपलेट निकलते हैं लेकिन हमने कंसीडर किया कि इस बेचारे में से सिर्फ एक रेन ड्रॉपलेट निकला। ठीक है, और मुझे कहा जा रहा है कि इस रेन ड्रॉपलेट की जो नीचे की तरफ आ रहा है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड करें। ठीक है, बुक वाले ने फॉग ड्रॉपलेट लिया हुआ है तो हम रेन ड्रॉपलेट ले लेते हैं, ठीक है, एक ही बात है तकरीबन। तो ये जो रेन ड्रॉपलेट है ये डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब इसकी जो वेट की फोर्स है वो किधर है, डाउनवर्ड है। इसकी वेट की फोर्स किधर है, डाउनवर्ड है। अब डाउनवर्ड आते 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 इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब जैसे ही बादल से निकला और इसकी वेलोसिटी नीचे आते 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 इसकी और वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है, और ये ड्रॉपलेट किस में मूव कर रहा है, एयर में। अब एयर क्या है, एक फ्लूइड है, और जब एयर में ये ड्रॉपलेट मूव करेगा तो एयर इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स ही लगाएगी और उस रिटार्डिंग फोर्स को हम क्या कहेंगे, ड्रैग फोर्स, जो इसकी वेलोसिटी के अपोजिट होगी। वेलोसिटी इसकी डाउनवर्ड है, ड्रैग फोर्स अपवर्ड होगी, तो इस पर जो लगने वाली ड्रैग फोर्स है वो किधर है, अपवर्ड है। इस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स अपवर्ड है। जैसे पैराशूटर जैसे ही एरोप्लेन से जंप लगाता है तो उसके कपड़े किधर उड़ते हैं, उसके कपड़े अपवर्ड उड़ते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ उड़ते हैं। इसका मतलब है जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उस पर फ्लूइड एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, और फ्लूइड क्या है, एयर है, फ्लूइड एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें जैसे जैसे ये ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और हमें पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट जो किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उस पर लगने वाली रिटार्डिंग फोर्स यानी ड्रैग फोर्स वो भी इंक्रीज होती है। ऐसे जितनी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी उतनी ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगी। अब यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे ड्रॉपलेट जो है नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होगी। अब थोड़ा और वो नीचे आया तो ड्रैग फोर्स और ज्यादा इंक्रीज हुई क्योंकि वेलोसिटी आस्ता आस्ता इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है
जब ये और नीचे की तरफ आए इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज हुई, तो ड्रैग फोर्स इस पे लगने वाली और इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज होते होते, ड्रैग फोर्स इंक्रीज होते होते एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा कि जब ड्रैग फोर्स वेट की फोर्स के इक्वल हो जाएगी, जब ड्रैग फोर्स वेट की फोर्स के इक्वल हो जाएगी, तब जो है इस रेन ड्रॉपलेट की नीचे आते हुए वेलोसिटी कोई नहीं बढ़ेगी, तब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव करेगा। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, इसको दोबारा से समझाते हैं। देखिए, ये ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा है, ये ड्रॉपलेट ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, और मैंने क्या कहा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और जब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो इस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ वो भी तो बढ़ेगी। अब मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ड्रैग फोर्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एक पॉइंट आएगा जब ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते इसकी वेट के फोर्स के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये कंडीशन आ जाएगी, W इज इक्वल टू एफ डी। और इस कंडीशन पर आकर ये जो डाउनवर्ड आ रहा है, जिसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी रेन ड्रॉपलेट की, इसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल, जब इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हुई, जैसे ही 10 मीटर पर सेकंड हुई ना बढ़ते बढ़ते, तो एकदम से वेट की फोर्स ड्रैग फोर्स के इक्वल होगी। तो अब क्या होगा, अब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, चाहे ये जितना मर्जी नीचे चला जाए, मतलब अर्थ जितनी मर्जी दूर हो। तो अब ये जिस वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ ड्रॉपलेट मूव करेगा वो 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, ये मैंने अपने पास से वैल्यू ली है। तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, अब वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कई लोग पूछते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ड्रैग फोर्स वेट फोर्स के इक्वल हो जाएगी तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। भाई जीरो नहीं होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि उस वक्त जब ये दोनों इक्वल हुए हैं, उस वक्त जितनी ड्रॉपलेट की वेलोसिटी थी बस उतनी ही रहेगी, बेशक ये जितना मर्जी नीचे चला जाए। ओके, हो गया। तो सेम इसी तरह, जैसे ही पैराशूटर जब शुरू में एकदम से जंप लगाते हैं तो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है, होती रहती है, लेकिन पॉइंट पर आकर उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होना बंद हो जाती है, तब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऐसे नीचे की तरफ जाते हैं। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कंडीशन क्या, वेट की फोर्स ड्रैग फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। अब वेट की फोर्स क्या होती है, एम जी इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स 6π ईटा आर वी। ठीक है, इसका रिलेशन आप पीछे देख के आ चुके हैं। अब यहां पर वी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, आर क्या है, आर हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। ठीक है, हम इसको एक स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, एक स्फीयर कंसीडर करते हैं। ईटा हमारे पास उस वो मीडियम है जिसमें से ये गुजर रहा है, विस्कोसिटी हम इसको कहते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम जिसमें से गुजर रहा है। जी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स, एम इज मैस ऑफ ड्रॉपलेट। तो हमने वी टी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वी टी इज इक्वल टू एम जी ओवर 6π ईटा आर। ठीक है, ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होगा जहां से हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 6π कांस्टेंट है, ईटा हमें पता है, आर हमें पता है, जी हमें पता है, मैस हमें नहीं पता, तो हम मैस पहले इसका फाइंड करेंगे। तो मैस फाइंड करने के लिए इसको नीचे इसको इक्वेशन वन का नाम दे लें। ठीक है, मैस, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है रो इज इक्वल टू एम बाय वी। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू रो वी। ओके, हो गया, और इज इक्वल टू रो इसी तरह रहने दें, क्योंकि आइडियल फ्लूड हम हमेशा आइडियल फ्लूड कंसीडर करते हैं जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट होती है। वॉल्यूम हम क्योंकि इसको एक स्फेरिकल कंसीडर करें कि एक स्फीयर टाइप है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4π r³। ठीक है, तो वॉल्यूम की जगह हमने लिख दिया 4π r³ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो m इज इक्वल टू रो 4π r³। अब आपने क्या करना है, इस m की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन वन में पुट कर देना है, इसको इक्वेशन टू का नाम दे ले। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि पुट इक्वेशन टू इन वन। ठीक है, पुट इक्वेशन टू इन वन, तो जब इक्वेशन टू को वन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा,
एक लाइन इसके यहाँ पर लगा लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, तो क्या आ जाएगा, वी टी इज इक्वल टू एम की जगह ये पुट करेंगे रो 4/3 पाई आर क्यूब और साथ में जी उसी तरह और नीचे नीचे कह रहे 6 पाई ईटा आर 6 पाई ईटा आर ठीक है। तो ये आर क्योंकि यहाँ पर आर क्यूब है तो इस एक आर यहाँ से कट जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, वी टी इज इक्वल टू रो 4 पाई आर स्केयर जी डिवाइडेड बाई ये 3 क्या हो जाएगा नीचे आके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 3s are 18 ठीक है 3 नीचे आके से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 पाई ईटा ओके हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे 2 2s are 4 2 9s are 18 पाई से कट गया बाकी क्या बचा वी टी इज इक्वल टू 2 rho r square g over 9 eta ठीक है। तो इस फार्मूले को यूज करके हम टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं ठीक है। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि रेडियस अगर हमें पता हो डेंसिटी हमें पता हो ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू पता हो ईटा की वैल्यू पता हो तो हम टर्मिनल वेलोसिटी आराम से फाइंड कर सकते हैं। यहां पर हमें एक और चीज पता चल रही है कि वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्केयर ऑफ द रेडियस के कि जितना रेडियस इंक्रीज होगा टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज होती है ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी जिसमें आपने जस्ट इतना याद रखना है कि जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो जब उस पे उसकी वेट की फोर्स और उस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे तब जिस वेलोसिटी से वो मूव करेगा उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे और वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी ठीक है। अब इसमें एक और बात टर्मिनल वेलोसिटी से जब वो मूव कर रहा है अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है टर्मिनल वेलोसिटी से जब वो मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा तो आपने कहना है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि जब वो टर्मिनल वेलोसिटी से वही ऑब्जेक्ट या वही ड्रॉपलेट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है तो आपने कहना है उस पर लगने वाली नेट फोर्स भी 0 है ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया तो उस पर लगने वाली नेट फोर्स भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ठीक है और वह कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे मूव करेगा। तो होप से आप ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी द मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अटेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़।